is Shireen, and today I bring to you another episode of Between the Lines. आजकल मैंने कोट सिलेक्ट किया कि ये वो मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता. अशफाक अहमद साहब पाकिस्तान के मशहूर राइटर, फिलोसोफर, स्कॉलर हैं और मेरी जिंदगी पे इन्होंने बहुत असर किया है. इन लफ्जों में बिटवीन द लाइंस भी देखते हैं, उन लफ्जों को भी देखते हैं. जिस लफ्ज को मैं नुमाया समझती हूँ वो है जानता हूँ. जानने का मतलब है कॉन्फिडेंस है, मुझे इस लफ्ज पे ट्रस्ट है. किस चीज पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि मेरा रब कोई चीज. अगला लफ्ज देखें चीज. चीज तो चीजें होती हैं, हम तो इंसान हैं, यानी कि चीजों को भी बेकार नहीं बनाया और इंसान के नाते तो हम बहुत ही बुलंद हैं. इसमें शर्त क्या आ रही है जानने की कि मुझे पता है मैं किस मटीरियल की बनी हुई हूँ और इस मटीरियल का मैंने करना क्या है. जब मैं ये जान लूंगी तो फिर मैं कोई फायदा पहुंचा सकती हूँ अपने वजूद से. जो नहीं जानते अपने आप को, जो बामकसद जिंदगी नहीं गुजारते, उनके लिए एक लफ्ज विच इज डिस्पेयर. डिस्पेयर मीन्स आई एम नथिंग एंड देयरफॉर आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग. ऐसे लोगों की जिंदगी अमूमन विक्टिम मेंटेलिटी के तहत गुजरती है और जो जमाना कहता है वो उसके मुताबिक बन जाते हैं. आगे चल के देखें जो लफ्ज आ रहा है बेकार नहीं, ये दोनों लफ्ज नेगेटिव में आते हैं और दोनों को जब हम मिल के पॉजिटिव की तरफ लेके चलें तो होता है करामत. अगर मैं करामत वही होंगी जब मुझे पता है कि मैंने जो तवक्कुआत है मुझसे वो बोझ पूरा उठा रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ. तो इस कोट को अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या मेरी वजह से बहुत कुछ और हो सकता है जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए, जिनको नामुमकिन समझते हुए मैं एक कारवां को आगे बढ़ा सकती हूँ? जैसे मर्जी मंजिल आप तय करें, रास्ता आसान हो जाएगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.